जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जानवरों का आतंक हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे गांव हो, चाहे हमारे रहसी इलाके शहर हो, और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद की कभी कभी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां से भी खबरें आती हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं, हर दिन कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहां खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छुट्टा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की, टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र है परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के एनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है।